हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कि क्या आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। अब कुछ लोग अगर जानना चाहते हैं एंजल नंबर्स क्या है, जैसे कि अचानक आपने अपने फोन में टाइम देखने के लिए फोन को ऑन किया और आपने देखा आपको टाइम दिख रहा है 11:11 या फिर 2:22 या फिर 3:33, ऐसे अगर कुछ आपको नंबर्स दिखते हैं तो इसे हम एंजल नंबर्स कहते हैं। और इसके दिखने का बहुत सारा कारण हो सकता है हमारी जिंदगी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो कुछ इस प्रकार ही है कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, कोई भी नंबर्स जैसे कि 111, 222 या 333, जो नंबर सबसे ज्यादा आपको दिखता है उसके दिखने का कारण क्या है, क्या मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने तीन पाइल रखी है यहाँ पर। तो पहला पाइल जो है इसमें है एंजल नंबर 1111, या फिर आप 11 ले सकते हैं। दूसरे पे है 22, तो आप इसे 222 ले सकते हैं, आप जैसा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, बट नंबर्स के ऊपर आप इसे चूज करें। और ये थर्ड वाला पाइल है 33, तो आप इसे 33 ले सकते हैं, 333 आपको अगर जो भी नंबर्स दिख रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो आज इसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सभी के साथ साइन और एलिमेंट मैच करें। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे इस रीडिंग को देख सकते हैं। हाय पाइल वन, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 111 या फिर 1111, तो आइए देखते हैं कि आपको ये नंबर्स क्यों दिखते हैं, ये दिखने का कारण क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में। फ्रेंड्स, पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैं आपको रीडिंग बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं थोड़ा शफल कर लूं। चलिए अब निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि क्या है मैसेज। यहां से मैंने निकाल लिए हैं कार्ड्स और ये है बॉटम ऑफ द डेक। मैं यहां से कुछ कार्ड्स लेना चाहूंगी एनर्जी ओरेकल डेक से और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये नंबर दिखता है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे आया है एप्रिसिएशन का कार्ड, यहाँ पे आया है थिंकिंग मैन और बॉटम से आया है इंडिसिजन। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 यानी कि नंबर 1111, तो फ्रेंड्स ये जो नंबर होता है ना, नंबर 11 या फिर 111, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, 1 रिप्रेजेंट करता है एबंडेंस को और 1 रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ की शुरुआत को। तो अगर आपको ये नंबर दिखता है तो डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत दिन से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उसकी तलाश में थे, तो वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाला है, उसका इंडिकेशन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या साइन और एलिमेंट है। तो यहाँ पे मुझे हेरोफेंट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे सारे ही साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, एरीस लियो सैजिटेरियस भी है। तो ये ओवरऑल सभी के लिए ये रीडिंग है। तो सबसे पहला जो मैसेज यहाँ से मुझे मिल रहा है वो ये है फ्रेंड्स कि जब भी आपको लाइफ में बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना होता है जो कहीं ना कहीं आपके फेवर के लिए होता है, आपकी अच्छाई के लिए होता है, जब लोग आपसे सवाल करते हैं ना,
तब आप पीछे हट जाते हैं, आप समझ नहीं पाते और एक ऐसा स्टेट बनता है कि आपको लगता है कि मैं अगर इस साइड का देखूंगा तो मेरी लाइफ में वो छूट जाएगा, अगर मैं उस साइड का लूंगा तो मेरी लाइफ से ये चला जाएगा। आप हमेशा ऐसे एनर्जी में रहे हैं, आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उसके बारे में आप सोचते भी हैं, इसलिए कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आप अकेले ही रह जाते हैं बहुत सिचुएशन में। और हमेशा ही आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि मान लीजिए आपको अपना करियर चूज करना है, आपको आपका प्यार चूज करना है, तो आप इन दोनों के बीच में ऐसे कंफ्यूज होते हो कि ना आप करियर में वो अपॉर्चुनिटी लेते हो जो आपको उस टाइम पे मिल रहा था, ना आपका लव वर्क करता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी रहती है, तो आपके लिए ये भी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आपको कोई चीज़ लोग देते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके तरफ से ये मिल रही है एक अपॉर्चुनिटी, आपको पता है कि रास्ता सामने है और यहाँ से मुझे जाना है, आप फिर ना डिसीजन लेने में हिचकिचाते हो, या फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं सच में ये मेरे लिए ही है ना, आप सोचते बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सोचते तो है, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, कभी कभी वो चीज़ें उल्टी हो जाती है। तो हमेशा आप एक नए चांस की तलाश में रहते हैं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है मुझे मिलना चाहिए, और जब मिलता है कभी कभी इतनी चीज़ें एक साथ मिलती है कि तब भी आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए आप सोचते हो, आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत वाइज हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपकी एनर्जी वैसे बहुत अच्छी है, बट ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप ही की वजह से चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आने से रुक रही है। तो आइए अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपको। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये कार्ड आपके लिए है, यानी कि ये नंबर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ से आया है टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है मून, किंग ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ ओके। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपको डिवाइन एंजल्स बताना चाहते हैं, आपको क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, वो ये है कि आप पास्ट की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट का इमोशन, या फिर आप हो सकते हैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच है, आप माँ को ना नहीं बोल पाते, आप माँ की बातों को यू नो ऐसा इग्नोर नहीं कर पाते। तो आपके लिए जो मैसेज ये आया है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ चीज़ें इमोशंस में बह कर नहीं, रियलिटी में लेना चाहिए कुछ डिसीजंस। तो ऐसे आपके लाइफ में डेफिनेटली सिचुएशंस हुए हैं कि जब आपको जहाँ पे लॉजिकली सोचना चाहिए था वहाँ आपने इमोशनली सोचा, और इस वजह से भी आपके लाइफ में मैं कह सकती हूँ, हो सकता है आप किसी अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप में अब तक नहीं हो, आप अपने कहीं ना कहीं करियर को लेकर भी उतने खुश नहीं हो जितना आपने सोचा था आप होगे, और बहुत चीज़ों का बर्डन है आपकी ज़िंदगी में। तो एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप सोचें, क्योंकि कार्ड भी आया है थिंकिंग मैन, तो आप सोचें, डेफिनेटली सोचें, बट उतना ही सोचें जितना आपके लिए फ्रूटफुल है, जितना आपके लिए बेनिफिट है, उससे ज़्यादा सोचकर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ओके चलिए अब हम देखते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। लर्निंग एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। देखिए यहाँ से भी सुनने का ही आया है, लिसनिंग डीपली यहाँ पे आया है, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये कार्ड आपको बताती है, यानी कि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि जो चीज़ आप you know, लोगों की बातों को सुनकर आप समझते हैं, या फिर लोगों की बातों में इतना हो जाते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं ना, तो उस चीज़ से जो सीखना है उसे आप सीखें, और सीखने के बाद उसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करें, एज अ चेंज यूज़ करें, एज अ चांस यूज़ करें। आप क्या होता है, आपको जब भी कुछ मिलता है तो आप सोचने में ही रह जाते हो, आप सुनते ज़रूर हो, यहाँ पे कार्ड भी आया, आप सुनते ज़रूर हो, आप सीखते भी हो, बस उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए आपके लाइफ में जो आप एक चेंज ढूंढ रहे हो ना, वो नहीं आ रहा, वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, अगर आप ये नंबर देखते हैं, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी को आप ना छोड़ें, आप कोशिश करें इस चेंज को लाने की, तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ है आगे। थैंक यू।
हाय पाइल टू, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर टू, यानी कि ये वाला पाइल यिंग एंड यांग, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओके, क्यों देखते हैं आपको ये नंबर्स, क्या सोचते हैं आप जिस समय आपको ये नंबर दिखता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ साइन और एलिमेंट मैच करें। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस ऑफ कप्स, हेरोफेंट अगेन, सेवन ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड ही आए थे पाइल नंबर वन में भी, तो आप हो सकता है वो एनर्जी भी चेक कर लेना। हो सकता है कुछ यहाँ से रेजोनेट करे, कुछ वहाँ से। स्टार, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ से आया है सन का कार्ड। मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी एनर्जी ओरेकल डेक से। ओके, द गार्डन एंड द गेट, एंड यहाँ पे आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पे आया है गॉडेस ऑफ द मून। तो पाइल टू जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि नंबर टू रिप्रेजेंट करता है ट्विन एनर्जी को, यानी कि हर इंसान के अंदर दो एनर्जीज होती है, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन। कुछ लोगों में कभी एनर्जीज जिनमें मैस्कुलिन ज़्यादा पाई जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो मेल ही हो, वो कुछ फीमेल भी हो सकती हैं और फेमिनिन भी होता है। तो दोनों एनर्जी जब बैलेंस में रहती है तो हमारे लाइफ में संतुलन बना रहता है। कैसा संतुलन? मान लीजिए अगर आपको चेक करना हो या फिर अगर आप जानना चाहते हो कि सच में आप लाइफ में बैलेंस बना के रह सकते हो या नहीं, कि आपके लाइफ में हमेशा आपको किसी की ज़रूरत है कि नहीं, अगर आप कभी किसी के बिना अगर आप अकेले कहीं रहते हो, मान लीजिए आप अपने घर पे अकेले हो और आपको किसी की भी याद ना, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको अपना टाइम अच्छा लग रहा है, आप अपने आप में उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आप उस सुकून में हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस है, क्योंकि टू रिप्रेजेंट करता है मून को भी, तो इसका मतलब आप इमोशनली बैलेंस्ड, यानी कि आपको कोई भी चीज़ अचानक से चेंज नहीं कर सकती। ओके, आपके लिए जो कार्ड आया है, और अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो ये कार्ड डेफिनेटली हमें बता रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आता है। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप ऐसी चीज़ें भी मांग लेते हैं जो उस टाइम पे आपको लगता है कि इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी, और अगले ही पल ऐसा होता है कि वो जो चीज़ है आपको लगता है कि आप शायद गलत चीज़ मांग लिए हो। आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी होती है क्योंकि बॉटम में सन का कार्ड आया है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि डेफिनेटली जितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप को हो या फिर आपके मनी रिलेटेड हो, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा डिसीजन तो आप डेफिनेटली लेते हो, पर प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो या तो ऐसा होता है कि आप बाद में उसको लेकर पछताते हो, या फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि शायद ये नहीं वो करना चाहिए था। तो थोड़ी कन्फ्यूज्ड एनर्जी तो है। वैसे नंबर सेवन का डबल नंबर्स आए हैं यहाँ पे, दो नंबर सेवन है, यानी कि सेवन सेवन भी है नंबर जो माइंड भी आपको दिखता हो, तो ये नंबर भी बताना चाहता है आपको कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, चांसेस मिलते हैं, आप अगर अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ग्रोथ है, बट कभी ना कभी आप किसी गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, इसलिए आपको इंडिकेशन ये देना चाहते हैं एंजल्स कि अपने डायरेक्शन को सही करें। आप जिस मार्ग पर जाना चाहते हैं वो आपके लिए आगे जाकर ग्रोथ है, क्योंकि वहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट है कि सही होगा। आप अगर कहते हैं ना कि आप अगर किसी पार्क में घूमने गए हो और आप गेट के उस पार गए नहीं, गार्डन के अंदर आपने एंट्री नहीं की और गेट के बाहर से ही गार्डन को देख के सोच रहे हो कि कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, काश मैं वहाँ जा सकता, अब जाने के लिए तो आपको गेट को ओपन करके जाना पड़ेगा, राइट? आप अगर उसके गेट पे रहोगे और सोचोगे तो ये वर्क आपको करना है, आपको कोई आकर पुश नहीं करेगा, राइट? तो
आपके साथ कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। यहाँ पे दूसरा भी है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मनी के पीछे भागते हैं, उनको लगता है कि पैसा कमाना, पैसा पैसा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपने शायद कभी ना कभी इसके प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, इसलिए आपको लगता है लाइफ में कुछ करो या ना करो पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिनेंशियली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ रहोगे ना, उतनी ज़्यादा ही आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। आप चीज़ों के पीछे भागना डेफिनेटली बंद कर दें, तब जाकर आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आएगी। चैरियट, द वर्ल्ड, आपके लिए जो मैसेज आया है फ्रेंड्स, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, टू की एनर्जी, ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम तो कार्ड भी आया है। तो ये कार्ड बता देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं अराउंड द वर्ल्ड जाना, कुछ नई अपॉर्चुनिटी को पाना, तो अपने कम्युनिकेशन को डेफिनेटली क्लियर करें। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को हैम्पर कर रही है। तो आने वाले टाइम में आपके लिए एक और इंडिकेशन ऐसा है कि जब आप अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करेंगे, और डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग भी आ रही है कि आप बहुत जल्द अपने ट्विन फ्लेम एनर्जी से मिल सकते हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब आप उनसे मिलें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रैवल कर कहीं आ रही हैं और आप अचानक से किसी गेट टुगेदर में मिले, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। और अगर आपकी एनर्जी सही रही, या फिर अगर आप फिर से पास्ट की एनर्जी में नहीं गए, तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर भी देखो। ओके, तो यहाँ पे मास्टर नंबर 22 तो है, यहाँ पे मास्टर नंबर 55 भी आ गया है, और 77 तो है ही। तो ये कार्ड आपको डेफिनेटली एक और इंडिकेशन ये देना चाहते हैं कि अपने आप में कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट ना रखें, चीज़ों में क्लैरिटी है, चीज़ें साफ है, आपके चाकरा भी बैलेंस है, तो किसी चीज़ के पीछे ना भागे। जिसे आपके पास आना होगा, जिस टाइम पे आना होगा, डेफिनेटली आएगा। और अभी इतनी अच्छी अबंडेंट ब्लेसिंग आ रही है, तो फ्रेंड्स और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है नंबर 33, आइए देखते हैं कि आपको ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम मैसेज मिले किसी भी नंबर को दिखने से, तो हम आपकी एनर्जी स्पेशली चेक करेंगे कि आपको क्यों दिख रहा है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि नंबर 33 जिनको दिखता है, इट इज़ फॉर डोर टू रिबांस। तो हो सकता है आप अपने लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी मुझे लग रही है जो वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का कि अब वो लाइफ में आए और हमारी लाइफ में जो भी मेंटल कन्फ्लिक्ट थी उससे हम बाहर निकले। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी तो है। ओके, नंबर 3, यहाँ पे 3 के देखिए कितने कार्ड्स आए हैं। आई विल शो यू जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। फ्रेंड्स, बॉटम से आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप देखिए, आपने नंबर चूज़ किया है नंबर 33, यहाँ पे नंबर 3 और फिर उसके नीचे नंबर 3 आया है, यानी कि आपको शायद कुछ लोगों को तो ऐसा मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको नंबर 333 या फिर किसी कार का नंबर, सारे नंबर्स 3 आपको दिखते होंगे, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है। सो आपको ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है और 3 आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी कर रहे हैं डेफिनेटली। ओहो, मैं बता ही रही थी कि प्रॉब्लम कर रहे हो, और कार्ड आ गया डिसीड का, फिर से आया गार्डन ऑन द गेट। ओ माय गॉड, स्टॉर्म वार्निंग। तो पाइल 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, तो अगर अभी आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं 3, तो शायद ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को लेकर एक अलर्ट है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपको पता है कि थर्ड पार्टी इशू है, या फिर कुछ भी चीज़ आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी बन रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी देखिए नंबर 30 आया है। सारी 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज, यानी कि जिनको भी ये नंबर सबसे ज़्यादा दिख रहा है उनको ये एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आप या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, वो कोई मेजर किसी स्टॉर्म जैसे सिचुएशन पे आ सकते हैं, क्योंकि 3 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है किसी के लिए पास्ट के पर्सन आ सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे और
एक बहुत ही अनयूजुअल मोड पे आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। अगर कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी उनका वर्क हो सकता है। तो ऐसे थर्ड पार्टी इशू के वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो है। आपको हो सकता है आप चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और रात के टाइम में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पर सोचने का आउटकम इसीलिए नहीं निकलता क्योंकि आप जो सोचते हैं ना, फिर आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं या फिर जिनसे भी आप क्लोज हैं उनसे डिस्कस करते हैं, और जो एक्चुअली में सही होना था वो नहीं होकर गलत हो जाता है, और डेफिनेटली आप फिर से अकेले और इमोशनल हो जाते हो। ये आपके वर्क को लेकर भी सेम एनर्जी है कि कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ओनली कन्फ्यूजन। ये आपके लव लाइफ को लेकर भी है, क्यों? क्योंकि आप हमेशा दूसरों की सुनते हैं और उसी के चक्कर में आप रह जाते हो, आप आगे नहीं मूव ऑन कर पाते। तो ये नंबर इसीलिए आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये शायद आपकी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में बहुत इस वजह से आपको वर्क में भी रिलेशनशिप में भी बहुत धोखे मिले हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन में आप ट्रैप हो गए हो जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाते। और ऐसा भी है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है और आप वहीं पे रह जाते हो, आप अपना कदम नहीं बढ़ाते उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से गई है। तो ये अगर आपकी है सिचुएशन, तो आइए देखते हैं कि आगे और क्या बताना चाहते हैं आपको एंजल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली, फिर से हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको क्या करने बोला जा रहा है अगर आप ये पूछते हो, तो आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं ना कि ये जो टाइम है ये एक ऐसा टाइम है जब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप इस चीज़ से डेफिनेटली एक कदम लेकर, एक ठोस कदम लेकर अगर आप अपना पहला कदम बढ़ाते हो, तो आपके लाइफ में आएगी अबंडेंट और क्लैरिटी, यानी कि क्या सच है क्या झूठ है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। कौन लोग सच्चे हैं कौन लोग सच्चे नहीं हैं ये भी आपके लाइफ में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि जजमेंट भी आया है, यानी कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है जिनको नहीं करना चाहिए था, तो वो भी उसकी क्लैरिटी भी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए इंडिकेशन यही है कि अगर आप चाहते हैं सच्चाई को देखना, तो डेफिनेटली आप अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदलें, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रखें, तो चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से मैसेज। Blessings and abundance, और देखिए यहाँ पे आपके लिए आया है signs and reminders, यानी कि आपको साइन इसीलिए मिलते हैं ताकि आप पीछे ना रह जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।